ये हमारा बैगन मसाला की रेसिपी बनके तैयार है। तो इस रेसिपी के लिए हमने एक भाटा बैगन लिया है जिसका कि वेट लगभग 250 ग्राम के आसपास है, और उसमें से हमने इस प्रकार का शेप में उसे काट के निकाला, लगभग 5 से 6 पीसेस में निकाला है। तो और मसाले में हमने लिया है धनिया, हल्दी, चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गर्म मसाला, नमक और थोड़ी सी 1 चम्मच के आसपास बेसन, और मसाले सब हमने आधी चम्मच लिया है। मसाले आप अपने हिसाब से भी इसे डाल सकते हैं। और इन सारे मसालों को हम अच्छे से इसे मिलाएंगे, और इसे मिला के हम इसमें पानी डाल के इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे, ताकि उसमें हम बैंगन को मसाले में लगा के हम इसमें डाल सकें। आप चाहे तो बेसन को आप नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन बेसन डालने से इसका मसाला अच्छे से बैंगन में चिपक जाता है। बगैर बेसन डाले भी आप बना सकते हैं, उससे मसाले क्या है ना, थोड़े बैंगन में अच्छे से चिपकते नहीं हैं, तो इसीलिए हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए हमारा इस प्रकार का कुछ इसका घोल तैयार हुआ है। उसमें हम बैंगन को लपेटते हुए थोड़ी थोड़ी मसाला, ज़्यादा हम इसमें लगाएंगे नहीं, तो थोड़ी थोड़ी करके हम इस प्रकार से इसे एक फ्राई पैन में डालेंगे। फ्राई पैन में हमने थोड़ी सी तेल लिया था। आप चाहे तो इसे तवा पे भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, इसे फ्राई करके भी आप बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फ्राई पैन में इसे थोड़ी सी तेल में हम पकाएंगे, और इसे जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे, लो टू मीडियम पे। तो ये देखिए हमारा एक तरफ पक चुका है। अब हम इसे पलटी कर देते हैं। ज़्यादा हमें पका के नहीं पलटी करना है पहली बार में, थोड़ी सी सिकने के बाद हम इसे पलटी कर लेंगे इन सारे को बिल्कुल बारीकी से, और फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। तो ये देखिए हम फिर से दूसरी तरफ पलट देते हैं इसे। इस रेसिपी को बनाने के लिए फ्रेंड्स 20 मिनट में आपका ये रेसिपी फाइनली तैयार हो जाएगा। 15 से 20 मिनट में आपके घर आए हुए गेस्ट को आप नाश्ते के रूप में इसे दे सकते हैं। तो ये देखिए हमारा फाइनली ये बैंगन भाजी बन के तैयार है। आप इसे बैंगन भाजी, बैंगन मसाला बोल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये फाइनली बैंगन भाजी बन के तैयार है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बैंगन भाजी बन के तैयार है। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। गार्निशिंग थोड़ी सी हम धनिया पत्ता से इसे कर लेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी चाट मसाला मार सकते हैं ऊपर से, आपको जैसा पसंद हो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा फाइनली बैंगन मसाला फ्राई बन के तैयार है। आप भी अपने घर पे इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। इस प्रकार से आप इस रेसिपी को बनाएंगे बहुत ही टेस्ट लगेगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।